बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और ये रोक 1 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी की राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है, जिसमें मायावती ने बुलडोजर एक्शन के लिए केंद्र को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टेयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। ये उनके लिए पहचान का संकट है, जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था। अब ना बुलडोजर चल पाएगा ना उसको चलाने वाले, दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है। अब बुलडोजर सोच का ही ध्वस्तीकरण हो गया है। अब क्या वो बुलडोजर का भी नाम बदलकर उसका दुरुपयोग करेंगे? दरअसल ये जनता का सवाल नहीं, एक बड़ी आशंका है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। सरकार अगर घर मकान किसी एक गिराने के लिए बुलडोजर इस्तेमाल कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्गतवा उसको रोक लगाया। एसटीएम भी अगर ऊपर से नीचे तक आप अधिकारियों को देखेंगे, एक ही तरह के अधिकारी पोस्ट हैं। उन अधिकारियों को पोस्ट किया है जो सरकार को खुश रख सके, सरकार के कहने पे चल सके, नियम कानून और जो अधिकार होते हैं उनसे ऊपर काम करें। इसीलिए एक तरह के लोगों को उन्होंने उसके अंदर शामिल किया है। आप देखिएगा एक दिन एसटीएम में भी वो लोग परिवर्तन होगा, जो लोग आज बैठे कुर्सी पर हैं उनके खिलाफ कभी जांच होगी तो उन्हें भी बहुत कुछ चीजों का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर के फैसले पर सपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बुलडोजर विध्वंसक कानून का राज का प्रतीक नहीं होने के बावजूद इसके प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति चिंतनीय है। वैसे बुलडोजर व अन्य किसी मामले में जब आम जनता उससे सहमत नहीं होती तो फिर केंद्र को आगे आकर उस पर पूरे देश के लिए एक समान गाइडलाइंस बनाना चाहिए, जो नहीं किए जा रहे हैं। मायावती यही नहीं रुकी, इसके आगे वो लिखती है, वरना बुलडोजर एक्शन के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देकर केंद्र सरकार की जिम्मेवारी को खुद नहीं निभाना पड़ता, जो यह जरूरी था। केंद्र व राज्य सरकारें संविधान व कानूनी राज के अमल होने पर जरूर ध्यान दें। मायावती ने बुलडोजर विध्वंस कानून का राज का प्रतीक नहीं होने के बावजूद इसके प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति को चिंतनीय बताया, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा कि भाजपा और यूपी सरकार बुलडोजर का महिमा मंडन करते थे, अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। जेएमडी न्यूज के लिए लखनऊ से यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी के साथ सोशल मीडिया डेस्क से श्वेता अग्रवाल की खास रिपोर्ट।